मथुरा के थाना बलदेव के गांव सेलखेड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब एक खेत में युवक का लहूलुहान अवस्था में शव मिला। युवक की पहचान मोहन सिंह निवासी सेलखेड़ा के रूप में हुई है। जी हां, आपको बता दें कि मोहन सिंह कल शाम अपना ट्रक लेकर अपने गांव सेलखेड़ा आए थे। वह शराब पीने का आदि था। शराब पीने के बाद जब वह घर से निकला तो पूरी रात गुजर जाने के बाद भी वह वापिस नहीं आया तो परिजनों को उसकी चिंता होने लगी। इसको लेकर परिजनों ने उसकी तलाश की पर वह कहीं नहीं मिला। ग्रामीणों ने सुबह उसका शव खेतों में लहूलुहान अवस्था में देखा। देखते ही देखते घटनास्थल पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस घटना की जांच में जुट चुकी है। पुलिस ने बताया कि मृतक मोहन सिंह के सर पर काफी चोटों के निशान हैं और सर से काफी खून भी बह चुका है, जिसके चलते मोहन सिंह की मौत हो गई है। देखने से लग रहा है कि किसी ने डंडे से मोहन सिंह पर सर पर वार किया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, वहीं ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और जल्द पूरे मामले के खुलासे की बात कह रही है। मामला क्या है सर? ये यहाँ एक डेथ हुई है। जनपद मथुरा में थाना बलदेव के अंतर्गत ये जो गांव पटलोनी पड़ता है, इसके आगे सेलखेड़ा गांव है। यहाँ पर मोहन सिंह समाप्त विजेंद्र सिंह, इनकी डेड बॉडी मिली है। इनके काफ़ी गंभीर चोटें सिर पर हैं, खून बह रहा है। और ये जो ट्रक सामने आप देख रहे हैं, ये ट्रक से ये यहाँ पर आए हैं हुई है या जो घटना कारित हुई है किस स्थिति में हुई, उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इनके पारिवारिक जन मुकदमा लिखा रहे हैं और हम इसकी गहराई छानबीन करके दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सर कितने बजे की घटना बता रहे हैं लगभग? अभी ये सुबह बच्चे कुछ दौड़ने आए थे तो इनकी लाश यहाँ देखी गई है। अब इसके बारे में भी गहराई छानबीन की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।